हे आर द फर्स्ट न्यूज सिंस ट्वेंटी फोर्टीन फोर फोल जम्प इन ई डी केसेज अगेंस्ट पॉलिटिशियंस नाइन्टी फाइव परसेंट आर फ्राम अपोजिशन तो इंडियन एक्सप्रेस ने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की और इंडियन एक्सप्रेस की फाइंडिंग्स ये हैं कि पास्ट एटीन ईयर्स में ई डी ने यहाँ पर वन फोटी सेवन की पॉलिटिशियंस को प्रूव किया है जिसमें से एटी फाइव परसेंट अपोजिशन रैंक्स के थे एंड इन्वेस्टिटेशन बाई द इंडियन एक्सप्रेस ऑफ कोर्ट रेकर्स एजेंसी स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट पॉलिटन बुक अरेस्टेड रेडेड और क्वेश्चन बाई द ईडी ओवर द पास एटीन ईयर्स रिवील्स दट द न्यू लेबल इज नॉट ऑफ द मार्क एज मैनीस वन फोर्टी सेवन की पॉलिटिशियंस को यहाँ पर प्रूव किया गया बाई द ईडी ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड ओवर एटी फाइव परसेंट वर्क फ्रॉम ऑपोजिशन रैक्स इट्स अ पैटर्न दैट मेरट्स द सी बी आई केस बुक तो सी बी आई ने पिछले अट्ठारह सालों में स्पैरिंग द गवर्मेंट्स ऑफ कांग्रेस एंड बीजेपी दो सौ पॉलिटिशियंस को जिनको कि यहाँ पर सी ने बुक किया अरेस्ट किया रेट किया क्वेश्चन किया, किया उसमें से एटी परसेंट बिलोंग करते थे अपोजिशन को जब से यहाँ पर एन टू की गवर्नमेंट पावर में आई है द इन्वेस्टिगेशन शोज कि ईडी ने यहाँ पर एक सौ इक्कीस पॉलिटिशियंस को प्रूव किया है जिसमें से एक सौ पंद्रह अपोजिशन को बिलोंग करते थे नाइन्टी फाइव परसेंट ये हो गया एंड दैट टू विद द स्टाफ स्ट्रेंथ तो यहाँ पर जो ई डी की स्टाफ स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर सी बी आई की वन थर्ड से भी कम है दिस इज इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द एजेंसीज केस बुक इन द यू पी ए तो यू पी ए की सरकार जब यहाँ पर दो से दो तक थी तब यहाँ पर ई ने 26 पॉलिटिकल लीडर्स को प्रूव किया था उसमें से 14 ऑपोजिशन को बिलोंग करते थे जो कि आप कह सकते हैं चौवन प्रतिशत द सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ इन ई डी केसेज इज मेनलीट्रीब्यूटेड टू द पी एम एल ए जिस लॉ को यहां पर 2005 के बाद लगातार स्ट्रेंडन किया गया है पीएमएलए में स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशंस हैं। जो कि यहाँ पर एजेंसी को पावर देता है ईडी को पावर देता है टू अरेस्ट एंड अटैच प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स ऑफ द अक्यूज इसके अलावा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा वो यहाँ पर एडमिसिबल होगा कोर्ट में एज एन एविडेंस तो यहाँ पर पी को लगातार स्ट्रेंदन किया गया है जिसकी वजह से यहाँ पर ई के पास पावर ज़्यादा आई हैं और यहाँ पर सिग्निफिकेंट इंक्रीज हमें केस में देखने को मिला है ई केसेस में अब हम आगे चलते हैं फर्स्ट पेज पर और कोई दूसरी न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में ये न्यूज़ हमारे एग्जाम परसपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है जुडिशियरी में रिफॉर्म्स में यहाँ पर जो मेंशन है लिस्टिंग नॉर्म्स तो ये आप लास्ट पॉइंट भी मेंशन नहीं कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर पूसा बायोडिकम्पोजर की बात की गई है तो पूसा डायो बायोडिकम्पोजर में क्या किया जाता है तो यहाँ पर कैप्सूल्स बनाए जाते हैं फंगाई से फिर उनको यहाँ पर मिक्स किया जाता है जैगरी के साथ और उसके बाद मिक्स किया जाता है चिकपी फ्लावर या बेसन के साथ फिर एक सल्यूशन बना लिया जाता है और उस सल्यूशन को यहाँ पर फील्ड्स पर डाल दिया जाता है उसकी वजह से जो स्टबल का यहाँ पर डिग्रेडेशन प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है और स्टबल यहाँ पर जो है वो सॉइल में ही मिल जाता है और मैन्यर की तरह काम करने लगता है तो ऐसे में स्टबल बर्डिंग नहीं करनी पड़ती है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन नहीं होता है और सॉइल की फर्टिलिटी भी खत्म नहीं होती है

को डिग्रेड होने में दिस ईयर अ प्रिपेयर सोल्यूशन इज बींग परचेज टू रिड्यूज द टाइम टेकन फॉर द प्रोसेस तो इसकी वजह से स्टबल बर्निंग नहीं करनी पड़ेगी और यहाँ पर एयर पोल्यूशन भी नहीं होगा अब हम आगे चलते हैं आर स्ट्रीट लाइट्स वॉकिंग तो गवर्नमेंट का क्या प्लान है तो डेली गवर्नमेंट का ये प्लान है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इज प्लानिंग टू जियो ऑल स्ट्रीट लाइट्स ऑन इट्स रोड और यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जाएगा स्ट्रीट लाइट्स की वर्किंग को ट्रैक करने के लिए द एम

सेलेक्शन एज वन ऑफ द पॉसिबल वेन्यूज़ तो इसके डिप्लोमेटिक रिपोर्कॉशन हो सकते हैं एस सम जी ट्वेंटी कंट्रीज़ में हैव डिफरेंट व्यूज़ ऑन सिचुएशन जो यहाँ पर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है जब से यहाँ पर आर्टिकल थ्री सेवेंटी को एब्रोगेट किया गया टू हंड्रेड प्लस मीटिंग्स शेड्यूल्ड टू हेल्ड इन द रन अप टू द जी ट्वेंटी सबमिट ऑन सेप्टेम्बर नाइन्थ एंड टेंथ नेक्स्ट ईयर और इसमें से जो कुछ मीटिंग्स हैं वो यहाँ पर कश्मीर में भी हो सकती हैं

द जी ट्वेंटी इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम जिसमें कि उन्नीस कंट्रीज़ हैं और एक यहाँ पर यूरोपियन यूनियन है कौन कौन से उन्नीस कंट्रीज़ हैं अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील कैनेडा चाइना फ्रांस जर्मनी इंडिया इंडोनेशिया इटली जापान साउथ कोरिया मैक्सिको रशिया सऊदी अरेबिया साउथ अफ्रीका टर्की यूके यू तो इन कंट्रीज़ के नाम आपको पता होने चाहिए ये में क्वेश्चन आ चुका है कि जी के मेम्बर्स कौन से हैं सिवरल कल्चरल एंड हेरीटेज साइट्स आर ऑल्सो लाइकली टू होस्ट सम ऑफ दीज मीटिंग्स इंक्लूडिंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स सच एज अजंता केव्स इन महाराष्ट्र हम्पी इन कर्नाटका एंड महाबलीपुरम इन तमिलनाडु आगे चलते हैं हम कुर्मी स्टेर हिट्स ट्रेन सर्विसेज अब इनकी डिमांड क्या है तो कुर्मी कम्युनिटी की ये डिमांड है कि इनको एस टी स्टेटस मिलना चाहिए एजीटेटर्स फ्रॉम द कुर्मी कम्युनिटी ब्लॉक रेलवे ट्रैक्स टू प्रेस फॉर द डिमांड्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस इन एरिया ऑफ झारखंड ई डब्ल्यू एस कोटा डज नॉट एरोड राइट्स ऑफ कम्यूनिटीज तो ये यहाँ पर अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल का कहना है रिजर्वेशन प्रोवाइडेड टू ई डब्ल्यू एस विच इज़ समथिंग न्यू तो ये किसी तरीके से यहाँ पर एस सी एस टी या ओ बी सी के राइट को एरोड नहीं करता है जिनको कि पहले से यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है So, they are already loaded with benefits by way of affirmative actions. This reservation is a new evolution, totally independent of reservation for STs, SCs, and OBCs. It does not erode their rights. बट फ्र आर्ग्यूमेंट हीट एस सीज़ और एस टीज़ को यहाँ पर पहले से रिजर्वेशन मिल रखा है इन प्रमोशन इन लोकल बॉडीज एंड लेजिलेचर लुक एट बेनिफिट्स आर्टिकल सिक्सटी फोर ए शोज दैट एस सीज़ और एस टीज़ आर बींग गिविन अ स्पेशल प्रोविजन बाई वे ऑफ प्रोमोशन आर्टिकल टू फोर्टी थ्री डी जो कि रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है पंचायत में आर्टिकल थ्री थर्टी प्रोवाइड्स दैम रिजर्वेशन इन द हाउस ऑफ पीपल थ्री थर्टी टू जो कि इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है स्टेट में नेक्स्ट है न्यूट्रिशन रेटिंग स्टार्स सेट टू अपीयर सून ऑन फूड पैक लेबल्स तो यहाँ पर कौन सा फूड कितना हेल्दी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रेटिंग प्रोवाइड की जाएगी फॉर एग्जांपल हाफ रेटिंग से लेकर फाइव रेटिंग तक प्रोवाइड की जाएगी अगर फ़ाइव है तो मतलब फूड काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द कंट्रीज एपिक्स फूड रेगुलेटर हैज़ रिलीज ड्राफ्ट नोटिफिकेशन फॉर फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग टू डिस्करेज कंज्यूमर्स फ्रॉम बाइंग पैकेज फूड जिसमें ज़्यादा शुगर सॉल्ट या फैट है विच विल रिक्वायर प्री पैकेज फूड टू कैरी ए स्टार ग्राफिक रेंजिंग फ्रॉम जीरो टू फाइव नेक्स्ट टू द ब्रांड नेम लाइक द स्टार रेटिंग सिस्टम फॉर एनर्जी एफिशियसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सिमिलरली यहाँ पर इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग होगी और यहाँ पर अनहेल्दीएस्ट फूड आइटम्स कैरी करेगा जीरो स्टार रेटिंग और यहाँ पर हेल्थियस्ट कैरी करेगा फाइव स्टार रेटिंग द ड्राफ्ट नोटिफिकेशन कम कंटेंटिंग दैट अ वार्निंग सिम्बल ऑन फूड जो कि हाई होंगे शुगर सॉल्ट और फैट में और यहां पर रेटिंग जीरो या हाफ होगी तो लोग यहाँ पर डिस्करेज होंगे और लोग उसको कंज्यूम नहीं करेंगे आगे चलते हम मोर टीथ एंड बिगर मसल्स ईडीज लेंथनिंग आर्म इन द एट ईयर्स फ्रॉम 2014 फोर्टीन तो डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ने यहाँ पर 121 सौ इक्कीस प्रोमिनंट पॉलिटिशियंस को इन्वेस्टिगेट किया है जिसमें से 115 सौ पंद्रह यहाँ पर अपोजिशन लीडर्स थे बाईकॉन रॉस ड्यूरिंग द टेन ईयर्स जब यहाँ पर यू पी ए टू की सरकार थी उस समय ट्वेंटी सिक्स लीडर्स को इन्वेस्टिगेट किया गया था जिसमें से चौदह लीडर्स अपोजिशन से बिलोंग करते थे पी एम एल ए द ईडी सोड आम द ईडीज एग्रेशन हैज़ बीन लार्जली ऑन अकाउंट ऑफ इट्स करेंट डायरेक्टर और इससे पहले वाले जो डायरेक्टर थे अब यहाँ पर ई के केसेस में क्यों इंक्रीज हुआ है तो वो हमने फर्स्ट पेज में ही डिस्कस कर लिया कि पीएमएलए को लगातार यहाँ पर स्ट्रेंथन किया गया है सिंस 2005 थाउजेंड फाइव अनलाइक लॉज गवर्निंग अदर एजेंसीज पर्टिकुलरली द सी पी एम एल ए यहाँ पर अलाउ करता है ई डी को टू टेक कॉगनीजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर इट्स वाइड रेंजिंग शेड्यूल अक्रॉस द कंट्री और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है तो सी बी आई को यहाँ पर प्रोप करने से पहले स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट की ज़रूरत पड़ती है जो कि ई डी को नहीं पड़ती है इट हैज़ देयर फोर बीन एबल टू रजिस्टर मनी लॉन्ड्रिंग केसेज अगेंस्ट पॉलिटिशियंस और एक्टिविस्ट तो अगर यहाँ पर स्टेट पुलिस फोर्स ने भी एफ आई आर की होती उसके बेसिस पर ही यहाँ पर जो ईडी है वो केस को रजिस्टर कर लेता है अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग समथिंग द सी बी आई इज अनेबल टू डू अनलेस यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया हो या तो ऑर्डर किया गया हो बाई द कोर्ट और बाई द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन तो तब तक यहाँ पर सी बी आई ऐसा नहीं कर सकता है वाइल्ड द नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास भी यहाँ पर सुओ मोटो कॉगनाइजेंस की पावर होती है लेकिन यहाँ पर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास जो ऑफेंसेज है जो वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है वो थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं द शेड्यूल ऑफ द पी एम एल एन द अदर हैंड हैज इंक्रीज फ्राम जस्ट सिक्स ऑफेंसेज इन टू थाउजेंड टू वैन द लॉ वॉज इनेक्टेड और यहाँ पर थर्टी ग्रुप ऑफ ऑफेंसिस हैं जो कि यहाँ पर पी एम एल ए में इंक्लूड कर दिए गए हैं द ईडी स्वीपिंग एम विच एक्सटेंड्स फ्राम सीरियस क्राइम सच एस टेररिज्म टू द हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड फ्राम द इनफ्रिचमेंट ऑफ कॉपी राइट टू फॉल्स ट्रेडमार्कस तो यहाँ पर जो ऑफेंसेज जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेट किए जा सकते हैं अंडर द पी एम एल ए उनको यहाँ पर इंक्रीज किया गया है द प्रोविजन ऑफ द पी एम एल ए विच गिव इन्वेस्टिगेटर्स द पावर टू अरेस्ट एंड अटैच प्रॉपर्टीज एंड एसे इसके अलावा स्ट्रीजेंट बेल कंडीशन हैं और यहाँ पर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा बिफोर एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये एडमिसबल होगा कोर्ट में एज एन एविडेंस इसीलिए यहाँ पर ईडी ज़्यादा पावरफुल हो गई है दैन द सी बी आई इंक्रीजिंगली स्ट्रेंजेंट इन टू थाउजेंड नाइन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अंडर सेक्शन वन ट्वेंटी बी ऑफ द इंडियन पिनल कोड को ऐड किया गया था पी एम एल ए के शेड्यूल में फिर यहाँ पर यह बताया गया है कंटेंशियस प्रोविजन्स क्या है तो पी एम एल ए को कॉन्स्टिट्यूशनली अपील्ड किया गया जो यहाँ पर स्ट्रिंजेंट बेल प्रोविजन्स है सबको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनली अपील किया गया द पी एम एल एज़ प्रोविजन्स ऑन एडमिसिबिलिटी ऑफ स्टेटमेंट्स बाई द अक्यूज एज एविडेंस और यहाँ पर जो स्ट्रिंजेंट बेल प्रोविजन्स ये काफ़ी कंटेंशियस है इट इज़ द ओनली एक्ट जहाँ पर स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड किया जा रहा है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने वो एडमिसिबल है कोर्ट में एज एन एविडेंस इससे पहले टाडा में भी ये एडमिसिबल हुआ करता था लेकिन टाडा को तो रिपील कर दिया गया

it प्री सपोज द ट्रायल एट द स्टेज ऑफ बेल इट सेल्फ जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को स्ट्रक डाउन कर दिया था लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर लार्जर बेंच बनाई गई और लार्जर बेंच ने यहाँ पर पी एम एल ए के जो भी प्रोविजन हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनली अपेल्ड किया है दिस हैज़ रिजल्टड इन अक्यूज बींग पुट बिहाइंड बार्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स विदाउट बेल इन ऑफेंसेज जिसमें कि पनिशमेंट यहाँ पर दो से सात सालों का है जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्रोसेस है वही पनिशमेंट बन जा रहा है क्योंकि प्रोसेस इतना ज़्यादा स्ट्रेंजेंट है बेल प्रोविजन इतने ज़्यादा स्ट्रेंजेंट है जिसकी वजह से

लादीना रेफर्स टू द विच सी सरफेस टेम्परेचर यहाँ पर कूलर होता है दैन नॉर्मल और वार्मर फेज को यहाँ पर कहते हैं एल नीनो आर रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन ओशियन एंड सिस्टम एलो एंड लानीना है एल नीनो एंड ला नीना एपिसोड्स टिपिकली लास्ट फॉर अबाउट नाइन मंथ्स टू अ ईयर लेकिन अब इनका जो टाइम पीरियड है वो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है हम इसको क्लाइमेट चेंज से लिंक कर सकते हैं लेकिन अभी कोई एविडेंस नहीं है कि हम इसको यहाँ पर क्लाइमेट चेंज से लिंक करें ओकेजनली हाउ एवर दे कंटिन्यू फॉर मच लॉन्गर पीरियड्स इन रिसेंट ईयर्स द एल नीनो ऑफ ट्वेंटी फिफ्टीन सिक्सटीन स्प्रेड ओवर नाइनटीन मंथ्स वॉज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ऑन रिकॉर्ड इवेल्यूएटिंग द लाइकली इम्पैक्ट तो इंडियन कॉन्टेक्स में तो ला नीना अच्छा होता है इट इज एसोसिएटेड विद गुड रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन और जो कि एल नीनो के अपोजिट एल नीनो यहाँ पर मानसून रेनफॉल को सप्रेस कर देता है दस अ स्पेस स्पेल ऑफ ला नीना कुड टू एक्सपेक्टेशन ऑफ अनदर ईयर ऑफ गुड और नॉर्मल रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून तो इंडिया के लिए तो अच्छी बात है क्योंकि इंडिया में यहाँ पर मानसून बहुत अच्छा होगा अनटिल नाउ द मानसून सीजन दिस ईयर हैज़ प्रोड्यूस सेवन परसेंट मोर रेन कंपेयर टू नॉर्मल In most parts of the United States for example La Nina is associated with very dry winters Australia or Indonesia and generally in the tropical region La Nina is expected to bring more rainfall the widespread drought in the US and flooding in eastern Australia this year could have been a result of the prolonged La Nina climate change के साथ के हम इसको लिंक कर सकते हैं एवरी अनयूजअल वेदर इवेंट डीज डेज को हम यहाँ पर एट्रीब्यूट कर देते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है बट साइंस इज नॉट कंक्लूसिव राइट नाउ ऑन द लिंकेज क्या हम यहाँ पर एनसो इवेंट्स को ग्लोबल वार्मिंग से लिंक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो ये यह यहाँ पर ऑथर ने बताया है नेक्स्ट है यहाँ पर ईसेम्स e तो न्यू यू एस आई यहाँ पर ई सिम्स एक्सक्लूसिवली यहाँ पर यूज कर रहे हैं अब ई e सिम्स क्या होता है द ई सिम और एम्बेडेड सिम टेक्नोलॉजी हैज़ बीन अराउंड फॉर ईयर्स लेकिन ये अभी तक मेन स्ट्रीम में नहीं आई है वॉट इज एन ई सिम एंड ई सिम इज एन एम्बेडेड सिम सो जस्ट लाइक ए ट्रेडिशनल सिम कार्ड एन ई सिम कंसिस्ट ऑफ सम कॉम्पोनेंट्स दैट आर नाउ अ पार्ट ऑफ योर फोन्स

एलिमेंट होता ही नहीं है जिसको कि यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है डिसएडवांटेज क्या है कि अगर कोई इमरजेंसी आपका फोन यहाँ पर बैटरी खत्म हो गई है तो ऐसे में आप सिम चेंज करके किसी और के फ़ोन से कॉल नहीं कर सकते हो या किसी और के फोन से कुछ नहीं कर सकते हो लिमिटेड सपोर्ट यू कॉन्ट यूज एन ई सिम फोन इन अ कंट्री जहां पर टेलीकॉम ऑपरेटर्स इस टेक्नोलॉजी को ही सपोर्ट नहीं करते हैं इसके अलावा ई e सिम की टेक्नोलॉजी आपको प्रीमियम फोन्स में मिलेगी फॉर एग्जांपल एप्पल के आईफोन गूगल पिक्सल सीरीज और सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज चेलकोस गेट मोर कंट्रोल तो ऐसे में कभी भी आप फ़ोन को स्विच करोगे तो ऐसे में आपको यहाँ पर टेलीकॉम कंपनी के पास जाना पड़ेगा एंड ई सिम में सेव यू द इनिशियल ट्रिप टू द टेलीकॉम ऑपरेटर्स बट यू वुड हैव टू रिलाई ऑन यूर ऑपरेटर एवरी टाइम जब भी आपको यहाँ पर अपने फ़ोन को स्विच करना हो तो यहाँ पर ई e सिम के बारे में बताया गया है नेक्स्ट अ क्वेश्चन ऑफ इंटेंट रिपोर्ट्स की यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पर इंटेंट कर रही है कि एक नेशनल कमीशन बनाया जाए टू स्टडी द स्टेटस ऑफ़ दलित्स जो कि यहाँ पर कन्वर्ट हो गए मुस्लिम और क्रिश्चियन में और उनको क्या यहाँ पर ए सी स्टेटस रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और क्या उनको यहाँ पर एस सी के बेनिफिट्स दिए जाने चाहिए इट इज़ हार्ड टू इमेजिन वाई दिस गवर्नमेंट ये इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट नहीं है ये हम डिस्कस नहीं करेंगे बहुत पॉलिटिकल स्टेटमेंट है इवन इफ द मोटिवेशंस बिहाइंड इट मे बी मो की द मूव इज वेलकम बियॉन्ड द इशू इज क्रिस्टल क्लियर तो दिस वॉज एस्टैब्लिश तो दो हजार आठ में एक नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज ने स्टडी किया था अब स्टडी में क्या फाइंडिंग्स है वो यहाँ पर ऑथर ने बताया है जो कि हम डिस्कस करेंगे द स्टडी रिव्यू टू मेन काइंड ऑफ अवेलेबल एविडेंस एथनोग्राफिक डिस्क्रिप्टिव एंड मैक्रोस्टाटिस्टिकल एविडेंस द सर्वे ऑफ एथनोग्राफिक मटीरियल्स बिगेन विद द फाइंडिंग दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ कास्ट डिविजन्स तो कास्ट डिविजन की एग्जिस्टेंस आप यहाँ पर दलित क्रिश्चियंस और दलित मुस्लिम्स में भी मिलेगा दलित मुस्लिम्स एंड दलित क्रिश्चियंस वर आइडेंटिफाइड एंड सेग्रीगेटेड सच लाइक देयर काउंटर पार्ट्स इन द हिंदू और सिख कम्युनिटीज़ बुद्धिज्म का केस यहाँ पर डिफरेंट है क्योंकि बुद्धिज्म में यहाँ पर ओवरवेलमिंग मेजोरिटी नाइन्टी फाइव परसेंट जो है वो इंडिया के बुद्धिस्ट यहाँ पर दलित हैं तो वैसा सेग्रीगेशन आपको बुद्धिज्म में नहीं दिखेगा लेकिन आपको सेग्रीगेशन दलित मुस्लिम्स और दलित क्रिश्चियंस में यहाँ पर दिखेगा एविडेंस फॉर स्टेबुलेटेड ऑन फाइव फॉर्म्स ऑफ कास्ट बेस्ड सोशल डिस्क्रिमिनेशन तो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है या नहीं है इंटरमेरिज के ऊपर बैन है ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन है सोशल एंड कल्चरल सेग्रीगेशन है एंड फाइनली यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन भी है इन ईच ऑफ दी साइड स्ट्रॉग एविडेंस वॉज फाउंड टू प्रूव दट दलित मुस्लिम एंड दलित क्रिस्चन सफर्ड ब्रॉडली द सेम ट्रीटमेंट जो कि यहाँ पर बाकी रिलीजन में दलित के साथ होता है द मोस्ट कॉमन इंस्टांस वर्ट सेपरेट मॉस्क और चर्च सेपरेट बरियल ग्राउंड हैं स्ट्रिक्ट

कि दलित मुस्लिम्स आर क्लियरली द वर्स्ट ऑफ अमंग ऑल दलित्स, वाइल दलित क्रिश्चियंस यहाँ पर सम वॉट बेटर हैं बाकी दलित से लेकिन सिख दलित से तो यहाँ पर कम ही बेटर हैं तो सिख दलित यहाँ पर दे आर द फार द बेस्ट ऑफ स्पेशली इन द रूरल सेक्टर रिस्पॉन्डिंग टू पटिशंस तो उसके बाद यहाँ पर पटिशन गई थी कि दलित मुस्लिम और दलित क्रिश्चन को भी यहाँ पर ऐसी स्टेटस रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और उनको यहाँ पर ऐसी रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए तो रिस्पॉन्डिंग टू पटिशन रिकॉग्नीशन द कोर्ट्स एक्सेप्ट द कास्ट सर्वाइव्स कन्वर्जन तो कन्वर्जन के बाद भी कास्ट तो सर्वाइव कर रही है बट कंप्लेन अबाउट द लैक ऑफ रिलायबल डेटा जिसकी बेसिस पर यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड किया जा सकता है इनफॉर्मल गेस्ट एस्टिमेट्स ऑन द टू थाउजेंड वन सेंसस एंड द टू थाउजेंड फोर फाइव एन एस एस ओ प्लेस द प्रोपोर्शन ऑफ दलित मुस्लिम यहाँ पर वन परसेंट और लेस ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन होंगे और दलित क्रिश्चन यहाँ पर फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट होंगे ऑफ द क्रिश्चन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लेकिन यहाँ पर जो क्रिश्चन की पॉपुलेशन है वही टू पॉइंट थ्री परसेंट है तो अगर हम ये देखें तो टोटल दलित पॉपुलेशन का ये होगा टू परसेंट तो टेक तो इन टुगेदर Dalit Muslims and Dalit Christians are likely to form less than 2% of the total Dalit population, more than 90% of which is Hindu. एडिंग दलित मुस्लिम्स अन दलित क्रिश्चियन तो उसकी वजह से ऐसा नहीं कि रिजर्वेशन की बोट एकदम ब्रॉक हो जाएगी सिंस द इनक्रीमेंट विल बी रफली वन फिफ्थ ऑफ द टेन परसेंट रिजर्वेशन जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को प्रोवाइड किया गया है अब फ्रेश स्टडी इज डेफिनेटली नीडेड बट द एग्जिस्टिंग एविडेंस यहाँ पर काफ़ी है ये दिखाने के लिए कि दलित मुस्लिम और यहाँ पर दलित क्रिश्चियस भी सफर करते हैं वही सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो कि हिंदू और सिख दलित यहाँ पर सफर करते हैं लाइक मुस्लिम एंड क्रिश्चन स्क्रिप्चर सिख एंड स्पेशली में कास्ट को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है तो बुद्धिस्ट और सिख स्क्रिप्चर्स में भी यहाँ पर कास्ट को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है तो लेकिन उसके बाद अगर बुद्धिज़्म और यहाँ पर सिखम रिलीजन को जो फॉलो करता है उसको यहाँ पर अगर ऐसी स्टेटस रिकॉर्ड किया जा रहा है और रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है तो यहाँ पर दलित क्रिश्चियंस और दलित मुस्लिम्स को भी यहाँ पर ऐसी स्टेटस रिकॉर्ड करके उनको भी रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए दे आर फॉर ग्रांटिंग दलित एंड बुद्धि रिजर्वेशन टू डिनाइंगलित मुस्लिम्स एंड दलित इज हेपोक्रसी इन इंडिया एवरी हिंदू मुस्लिम क्रिस्चन और सिख ऑल्स

बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में डेथ पेनाल्टी को यहाँ पर अपील किया गया था और यह कहा गया था कि रेयरस्ट ऑफ़ द रेयर केसेस में डेथ पेनाल्टी यहाँ पर दी जा सकती है 2015 की लॉ कमीशन रिपोर्ट ने रिकमेंड किया था कि डेथ सेंटेंस को यहाँ पर एबॉलिश कर देना चाहिए एक्सेप्ट इन टेरर रिलेटेड केसेज की डेथ पेनल्टी और कैपिटल पनिशमेंट को यहाँ पर एबॉलिश कर देना चाहिए एक्सेप्ट इन टेरर

देथ थ्रो डिबेट इन इंडिया कांट इग्नोर द रियलिटी अब दे में भी आपको स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन मिलेगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्रोजेक्ट थर्टी नाइन ए था ए था अ क्रिमिनल रिफॉर्म्स एडवोकेसी ग्रुप जिसने कि यह पाया सेवेंटी सिक्स परसेंट जो यहाँ पर देथ थ्रो के प्रजनस हैं दे बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेज और रिलीजियस मिनोरिटीज और इसमें से यहाँ पर जो थ्री फोर थे दे वर्क फ्रॉम द इकोिकली वेबल एंड ने यहाँ पर सेकेंडरी स्कूलिंग कंप्लीट नहीं की थी वेल दीज प्रस आर अ कॉमन थ्रेड इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लेकिन अगर आप कैपिटल पनिशमेंट देखो तो ये पूरी तरीके से इिवोकेबल होता है फाइनल स्टेट ऑफ पनिशमेंट होता है फिर दो हजार बीस में प्रोजेक्ट थर्टी नाइन ए स्टडी ऑफ ट्रायल कोर्ट जजमेंट शोड दैट इन डेली एटी डेथ सेंटेंस हैंडल बाई ट्रायल कोर्ट जिनको कि यहाँ पर सिक्सटी परसेंट लेटर एक्विट हो गए या तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर दिया द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स रेफरेंस स्ट्रेस ट्रायल कोर्स मच टेक इन टू अकाउंट द सोशल मिल्यू इसके अलावा एज क्या है एजुकेशनल लेवल क्या है तो बेसिकली यहाँ पर मिटिगेटिंग फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना है कि साइकोलॉजिकल इवेल्यूएशन किया जाएगा कन्विक्ट का एंड पोस्ट कन्विक्शन कंडक्ट व रेलिवेंट फैक्टर्स एट ऑफ कंसिडरिंग की डेथ पेनल्टी को यहाँ पर इम्पोज किया जाना चाहिए क्यूज के ऊपर या नहीं तो बेसिकली यहाँ पर जो कंडीशन है वो देखी जाएंगी कि यहाँ पर जो क्राइम किया गया वो कौन से मेंटल स्टेट था क्या सोचकर यहाँ पर किया गया तो ये मिटिगेटिंग फैक्टर्स को यहाँ पर देखा जाएगा द केस इज अ क्रूशल अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग कंसिस्टेंसी इन प्रैक्टिस एंड दस इन्श्योर दैट दो फेसिंग कैपिटल पनिशमेंट उनको यहाँ पर हेयरिंग मिलनी चाहिए दैट्स फेयर एंड ह्यूमन फॉर

यहाँ पर जो चाइना की ग्रो है वो चाइना लगातार ग्रो हो रहा है चाइना यहाँ पर सेकंड सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बन चुका है इंडियाज़ ग्रोइंग एप्रिहेंशन हैड बीन पेल्पेबल जब यहाँ पर चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लॉन्च किया एज एविडेंट क्योंकि चाइना ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया सिर्फ पाकिस्तान और म्यांमार में ही नहीं बल्कि नेपाल और श्रीलंका में भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर अपना विजन शेयर किया था इंडो पैसिफिक पे फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन जून 1 2018 एट द शंग्रीला डायलॉग जहाँ पर उन्होंने बात की दैट इंक्लूड ऑल नेशंस इन द जोग्राफी एज ऑल्सो अदर्स बियॉन्ड हुव स्टेक इन इट तो इंडो पैसेफिक में यहाँ पर ऑल्सो अदर्स बियॉन्ड तो यहाँ पर बात की गई थी वेस्टर्न नेशंस की एंड ऑब्ली की रेफरेंस टू द वेस्टर्न पावर्स टिल रिसेंटली वर नॉट वेलकम बाई द इंडिया इन इट्स रीजन लेकिन हमने यहाँ पर वेलकम किया कि इंडो पैसेफिक में यहाँ पर उनका भी वेलकम है उसके बाद यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने अपनी इंडो पैसेफिक की एक पॉलिसी भी अभी रिसेंटली निकाली थी एट द सेम टाइम इंडिया वॉज नॉट कम्फर्टेबल विद द एंटी चाइनीज स्टैंड ऑफ द अमेरिकन और हम चाहते थे कि यहाँ पर एक एम्बीवेलेंस होनी चाहिए कि यहाँ पर पूरी तरीके से चाइना एलिनेट ना हो जाए फिर यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर की 2020 की किताब की बात की गई है द इंडियन वे इफ़ इंडिया ड्रोव द रिवाइव्ड क्वाड अरेंजमेंट हमने यहाँ पर मेंबरशिप भी ली शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तो आइडिया ये है कि हमें सारी ही कॉम्पिटिंग पावर्स के साथ इंगेज करना है हमें एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जाना है तो यू एस चाइना रशिया एट द सेम टाइम हम यहाँ पर सबके साथ एंगेज करना चाहते हैं इंडिया स्टैंड्स इन फेवर ऑफ ए मल्टीपोलर वर्ल्ड इन दिस कॉन्टेक्स न्यू डेली वॉन्ट्स की रशिया भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे दिस स्टैंड्स गोज टुगेदर विद इंडियाज रिजर्वेशन अगेंस्ट द वेस्ट पास्ट हैजे मनी तो वेस्ट की यहाँ पर पास्ट में हेजे मनी थी और वेस्ट ने यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्डर को स्टैब्लिश किया है He also emphasizes the fact that the West has imposed on the world norms that need to be dismantled. तो यहाँ पर जो West ने norms बनाए हैं उनको dismantle करने की ज़रूरत है तो ये सब उस book में लिखा हुआ था These are supported by narratives that serve the West well while diminishing its competitors.

शुड फॉलो सूट और हमें भी अपने राइस की जरूरत है अपने इकोनॉमिक माइट को इंक्रीज करने की जरूरत है अपने मिलिट्री माइट को इंक्रीज़ करने की जरूरत है रशिया मैटर्स टू इंडिया फॉर अदर टू रिजन फॉर एग्जाम्पल जो हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट है उसकी डिपेंडेंस के लिए हम यहाँ पर रशिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं बट ओवरकमिंग दिस डिपेंडेंस मे बी ऑन इंडियाज एजेंडा अगर हम यहाँ पर प्लूरीट्रल डॉक्ट्रीम के बारे में चाहते हैं तो हमें अपनी सप्लाई को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है सेकेंड न्यू डेली इसकी टू रिमेन अ पार्टनर ऑफ रशिया अगर हमें यहाँ पर चाइना को बैलेंस करना है आइसोलेटेड मॉस्को यहाँ पर चाइना के और ज़्यादा करीब जाएगा दीज फैक्टर्स एक्सप्लेन की क्यों हमने यहाँ पर वॉस्टॉक मिलिट्री ड्रिल का हम पार्ट बने एलोंग विद वेरियस अदर कंट्रीज इट्स पार्टिसिपेशन वॉज नॉट वेल रिसीव्ड इन द यू एस लेकिन हमें ये पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ को अभी हमारी बहुत ज़्यादा जरूरत है तो अगर हम ऐसी ड्रिल्स में पार्टिसिपेट कर भी लेते हैं तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है बट इट्स इन ट्यून विद न्यू डेली इज वेयर इट इज़ प्रॉबेबली बिलीव द वेस्ट नीड्स इंडिया सो मच कि अगर हम ऐसी ड्रिल्स में पार्टिसिपेट कर भी लेते हैं तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बट डज द वेस्ट नीड इंडिया मोर या हमें वेस्ट की ज़्यादा जरूरत है द रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन विल बी ओवर डिटामाइंड बाई टू वेरिएबल्स पहला है कि वेस्टर्न

सेकेंड चाइनाज पॉलिसी मैटर दिस समर वाइल न्यू डेली हैड इमीडिएटली कम टू द रेस्क्यू ऑफ कोलम बोले कि उसके बाद भी श्रीलंका ने क्या किया यहाँ पर अलाउ कर दिया हमन टोटा पोर्ट पर चाइना की एक स्पाइस शिप को आने के लिए तो न्यू डेली में नीड द कॉट मोर देन सम आगे चलते हैं

इकोनॉमी पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं आप देख सकते हैं टाटा ग्रुप टू ब्रिंग एयर एशिया इंडिया अंडर एयर इंडिया ये इंपॉर्टेंट है लेकिन यहाँ पर हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं डिस्टेंस ब्रिंग्स डिस्ट्रस्ट कट इट डाउन तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने ये फिनटेक इंडस्ट्री को कहा है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला निर्मला सीतारमन ऑन ट्यूजडे नस्ट द फिनटेक इंडस्ट्री टू ब्रेक द डिस्टेंस बैरियर और यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ ज्यादा एंगेजमेंट करना चाहिए फिनटेक इंडस्ट्री को आई डू नॉट वॉन्ट टू साउंड क्लिड क्लीशे बट डिस्टेंस ब्रिंग्स डिस्ट्रस्ट सो कट द डिस्टेंस डाउन हैव ग्रेटर इंगेजमेंट विद द गवर्नमेंट फिर यहाँ पर बात की गई कि डिजिटल करेंसी कब लॉन्च की जाएगी ऑन फेबर फर्स्ट सी हैड अनाउंसड इन हर बजट स्पीच दैट डिजिटल रुपी और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यहाँ पर इशू की जाएगी बाय द आर बी आई इन करेंट फाइनेंशियल ईयर फिर यहाँ पर आर बी आई का रेगुलेटरी सेंडबॉक्स है और जिसकी वजह से यहाँ पर जो फिनटेक कंपनीज़ है वो अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकती हैं एक रेगुलेटेड इन्वायरमेंट में तो उसकी यहाँ पर बात की गई इनोवेशंस मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल वार्निंग अगेंस्ट मशरूमिंग ऑफ लैंडिंग ऐप्स जो कि यहाँ पर डिजिटल लैंडिंग प्रोवाइड करते हैं लेकिन उसके बाद उनके तौर तरीके भी लोन्स को निकलवाने के ऐसे होते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर सुसाइड कर लेते हैं तो आर इनको रोकना नहीं चाहता है, ये इनोवेशनस होने चाहिए लेकिन ये इनोवेशंस यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए वी विल इनफैक्ट गो टू स्टेप्स फॉरवर्ड टू डिस्कस विद यू इफ यू जस्ट टेक वन स्टेप फॉरवर्ड बट दीज इनोवेशो मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल एंड शुड एनहेंस द एफिशियंसी एंड रिजिलियंस ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हैं इफ यू लाइक द वीडियो दैन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू एंड अव नाइस डे